हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सुबह का 11 बजने वाला है, देख लीजिए आप लोग। और मैं अभी जा रही है रुद्रा को मालिश करने। आ जाओ तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रुद्रा को कैसे मालिश करती हूँ। आ जाओ। और देखिए, मैं तेल ली हूँ डाबर लाल, उसका पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, डाबर लाल तेल है दोस्तों। आ जाओ, मैं बाबू को, ये तीसरा डब्बा है, मैं तीसरा डब्बा लगा रही हूँ रुद्रा को। आ जाओ, इधर पकड़ के दीजिए तो जाओ जाओ बेटा जाओ। आ जाओ। अरे बाबू, देखिए दोस्तों, मालिश कर दे। अभी कुछ दिनों से ना दोस्तों, बाबू को ऐसे बुलाओ ना तो देखिए, बाबू को बुलाओ तो तुरंत आ जाता है मालिश के लिए। अरे बीच में मालिश करती थी तो इतना रोता था, इतना रोता था। अरे तो अब समझदार हो गया है, बड़ा भी हो गया है। फिर भी देखिए पैरवा कैसा कर रहा है। मैं नीचे बैठ जाती हूँ फिर। अभी ऊपर बैठे थे, पंखा चालू करिए ना, मुझे घर पंखा चलो चालू है, देखो पंखा चालू है ना। तो सबसे पहले इनका पीठ घसाई हो रहा है दोस्तों। फिर हाँ, पीठ घसाई हो रहा है, पैर सीधा करो। पैर में ऐसे कुछ किया जाता है, आपको मालूम है हमको नहीं मालूम है मगर देखते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों, बाबू मेरा, मैं इसको बचपन में इतना ज्यादा मालिश कर दी थी कि अभी इसका 9 महीना, सब बोलते हैं कि 9 महीने के बाद या 8 महीने के बाद बाबू बच्चे चलते हैं। मेरा बाबू का 9 महीना पूरा नहीं लगा था दोस्तों, तभी से मेरा बाबू, वैसे तो बकैया इसका जल्दी ही चलने लगा था, नजीब अरे देख के बकैया। बोलेंगे लोग कि हाय तो इतना दुबला पतला हाँ, एकदम से, कहेंगे क्या इतना करे दुबला पतला। दोस्तों, तबीयत बेचारे की अभी 10 15 दिन पहले खराब हो गई थी बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा खराब, झटक गया था एकदम, एक हफ्ते इससे तक भी खाना ज्यादा नहीं खा उसका रहा, तबीयत खराब हुआ था। एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया था दोस्तों, एकदम उल्टी उल्टी कर रहा था बस। पूरा दिन, एक हफ्ता नहीं 10 दिन बोले दोस्तों, तो कुछ भी नहीं खाया था। मैं इसको ढीला हाथ से नहीं मालिश करती हूँ, टाइट हाथ से मालिश करती हूँ। अरे गिर जाए, और सीधा करो, सीधा देखिए करो, पैरों बैठ को ऐसे पकड़ के दोनों हाथ में इस तरह से रगड़ के इसको मतलब सीधा रहता सीधा है। नीचे करो, नीचे सीधा करो, परेशान सीधा करना हो रहता, जाता है ये भी। सीधा करना पड़ता है दोस्तों। सीधा करो बेटा, हर सबका बच्चा ऐसे ही परेशान करेगा, बस आपको उस तरह से दबा उबा के लेकिन करना आपको है। मालिश करना चाहिए, भले ही बच्चा दुबला है तो क्या करे। अब नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। तो अब दोस्तों देखिए हाँ, आगे का हिस्सा आप करने जा रहे हैं, पीछे का हो गया, अब आगे का होगा, है ना दोस्तों। अरे है ना, तो रुद्रा दांत ऊपर निकल करो, रहा है। ऊपर करो, हाँ ऊपर और करो। बच्चों को दोस्तों डाबर लाल तेल ही लगाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा रहता है। बाकी सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो शुरू आपके में आप ऊपर। लोग सरसों का तेल ही लगाया करिए, शुरू ये में डाबर स्टार्टिंग में लाल तेल अभी से मत लगाया करिए, जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो। गुदगुदी लग रहा है बाबू, हंस रहा है। इस तरह से इनका मालिश सीना की चौड़ा कर दे रही हूँ क्योंकि सीना टाइट करके चलेगा। हाँ, बस का बच्चा है, अरे रे रे, अब देख मर मत जाएगा मारना बेटा, इसीलिए। अभी कुछ दिन मालिश कर दे रही हूँ, कि मालिश कर पाऊंगी कि नहीं मालूम नहीं। रुद्रा का बैठना भाई नहीं, आ नहीं रहा बन है, पाएगा, मारेगा बार बार रुद्रा ऐसे, का पैर भाई, बहुत ज्यादा चलाता है ये। रुद्रा का भाई आने वाला है ना, इसलिए मजा आ रहा है। रुद्रा मजा आ रहा है, हाँ? देख रहे हैं दोस्तों पूरा हड्डी हड्डी बेचारे का दिख रहा है, ऐसा नहीं था लेकिन अब क्या बताएं, उसका अभी तो तबीयत थोड़ा ठीक सा हुए, अभी लग रहा है 10 दिन हुआ होगा, दस बस बस तबीयत तीन सही भी नहीं हुआ है, हुआ होगा, ठीक हुआ है। पूरा झटक गया है एकदम से। और हाथ को ऐसे ऐसे सीधा करके, ऐसे करके, अच्छा आप लोगों को उधर से नहीं दिख रहा होगा, दोनों साइड से ऐसे ऐसे मालिश कर दो। बच्चे लोग का जो रहता है ना, सीधा हो जाता है। रुको रुको, करने लगेंगे ना दोस्तों तो बहुत लंबा बहुत ज्यादा, प्रोसीजर है, मैं बहुत टाइम तक मालिश करती हूँ इनको। करना भी चाहिए तभी बच्चों के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो मैं कई बच्चों को देखा हूँ ना,
वो छोटी सी उम्र में जैसे लगेंगे ना मोटे, लेकिन वो मोटे नहीं रहते हैं, वो जैसे शरीर थोड़ा सा फूला हो जाता है। दबा के मालिश करना चाहिए, दबा के नहीं, बस फूला। बच्चे खाएंगे पियेंगे अपने, जब होंगे खाएंगे पियेंगे खुल के तो दे दे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, फिर ऐसे इधर से मालिश करो, ज्यादा तेल इधर लगाना है इनको, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा तो दोस्तों देखिए, अब जा रही इनके चेहरे पे लगाने के लिए, देखिए कैसा कर रहा है, मुंह पे नहीं लगाने देता। ऐसा करो बेटा, चेहरे पे तो तुम्हें तेल नहीं लगाती, बस जो हाथ में रहता है या थोड़ा सा हल्का सा ले लेती हूँ। बच्चे लोग का ये उठाना जरूरी रहता है। रुको, बार बार पैर लगाता है। हो गया बेटा, हो गया। तो दोस्तों, कैमरामैन मैं ही था वीडियो शूट करते हुए। देखिए इनको ऐसे करने में इसको अच्छा लगता है, किसी कोई भी बच्चा रहता है ऐसे करने में बच्चे लोग को अच्छा लगता है। थोड़ा मालिश हो चुका है, लास्ट में ऐसे ऐसे पैर को घुमा देना चाहिए और लुका देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा और अच्छा अच्छा कॉमेंट करिएगा कि हमें मालिश की सही नहीं, सही से आता है कि नहीं आता, ये भी बताइएगा आप लोग। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय। ये भी बोल रहा है, प्लीज दोस्तों हम लोग अपना वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिए, मजबूर मत। हम अपना भी वीडियो बनाते हैं दूसरों पे वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब करके जाइए।